पे काम कर रहे हैं। हम कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी को पता है? बीएसएल में कितने साल है आप लोग? 10 साल 20 साल। कौन सी कंपनी में हम काम कर रहे हैं? बीएसएल। कौन सी कंपनी है? वेलनेस कंपनी। और कौन सी कंपनी है? सॉरी, मलेशिया कंपनी। एक चीज के लिए बीएसएल काम करती है, वो क्या है? हेल्थ। लेकिन उसको एक सॉरी वेलनेस, यस, लेकिन उसको कुछ कहा जाता है। 30 साल पहले डॉक्टर लीन ने जब शुरू किया तब वो मायने नहीं रखता था, लेकिन जब हम आज कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं तब समझ में आ रहा है कि फार्मास्यूटिकल्स आर टर्निंग टू द न्यूट्रोसिटिकल्स। और ये न्यूट्रोसिटिकल्स बीएसएम में कब आया? 30 साल पहले आया। और फार्मास्यूटिकल्स अभी न्यूट्रोसिटिकल्स में आ रही है, मतलब वो डिजीज से जो लाइफस्टाइल डिजीज है, क्योंकि डिजीज पे तो आपको मेडिसिन चाहिए, लेकिन लाइफस्टाइल डिजीज के लिए मेडिसिन काम करेगा? आपको लाइफस्टाइल डिजीज के लिए फूड सप्लीमेंट की जरूरत रहती है। हम कुदरती चीज से लाइफस्टाइल डिजीज को ठीक कर सकते हैं। कितने लोग गन्ना खाते हो? कितने लोग गन्ना खाते हो? गन्ना खाते हो? गन्ना अभी गन्ने का जूस पीते, रस पीते, गन्ना खाते नहीं। पहले गन्ने का घोट बैठना था, पता है गांव में क्या करते थे? उसाची कांडा लाऊ, हाँ, बैठते थे और खाते थे। वो पुरानी चीज है। हम कहते हैं ना, भारतीय लोग तो सब पुराना 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 करते रहते हैं, लेकिन अधूरी चीज नहीं है, वो पूरी चीज है। आप जिम में जाके ना इसके नीचे की पूरे शरीर का एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन इसके ऊपर का एक्सरसाइज एक ही चीज कर सकते हो। वो क्या चीज है मालूम है? गन्ना खाना। जो गन्ना खाना जानता है वो अपना डोपामाइन, मतलब जो हार्मोन है, और जो लंबा मज्जा है, लंबा मज्जा को क्या कहते हैं? मॉड्यूला समथिंग, वहां पे जो रस बनता है ना, वो रस बनने के लिए जो एक्सरसाइज चाहिए, जो जिम में योगा में किधर भी नहीं होती, वो सिर्फ गन्ने के जूस से मिलती है। पुरानी चीज है, अच्छी वाली चीज है। और उससे क्या होता था? तो हमारा मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहता था। इसलिए हमारे दादाजी और परदादाजी कैसे रहते थे? अपने नन्हे मुन्ने जितने भी आते थे उनको नाम से पहचानते थे, उनके पूरे घराने से उनको आजू बाजू गांव गांव सबसे पहचानते थे। हमको एक आज मोबाइल नंबर भी याद नहीं रहता, खुद का मोबाइल भी है आपका, बोलो मैं मिस कॉल दे देता हूँ और फिर क्या करता हूँ, मेरा नंबर सेव कर दो। वो गन्ना घोट छूट गया, लेकिन वो जो गन्ने का जूस है, जो रस है, वो आज भी हम पीते, लेकिन बांटते पीते, एक साथ बैठ के नहीं पीते। अभी जो समर है तो कितने लोगों ने आम घोट निकाला, मतलब बैठ के खाया, एक परात डाल के गांव में जब बैठे, अभी शहरों में भी वैसे होता है कि आम रखते हैं, उसको चूस के आराम से लगा के बैठ के पूरा वो स्लीव लगा के खाए। कितने लोग खाए? बहुत लोग खाए, तो तालियां होनी चाहिए। क्योंकि ये जो घोट बैठते थे ना पहले, वो किस वजह से बैठते? आपका मेंटल पावर रखने के लिए, आने वाली जो सीजन चेंज है उसको तैयार करने के लिए रखते थे। लेकिन आज हम न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए, आधुनिक हो गए, मॉडर्न हो गए, तो ये सब चीजें हमको पुरानी लग रही थी, लेकिन ये अधूरी चीज नहीं है। डॉक्टर लीन जी को पता था कि हम बहुत आधुनिक हो गए, तो उन्होंने क्या किया, एक तकनीक अपनाई जो फर्स्ट प्रेस, मतलब उसमें से आपको ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन मिले, ऐसा जैगरी आप तक पहुंचाया है। और जब हम गन्ना चूसते थे तब हमारे आंखों का, हमारे दिमाग का, हमारे गर्दन का, हमारे पूरे ऊपर के हिस्से जो आपके मेंटल ब्रेन पावर के लिए जरूरी है, स्पाइन पावर के लिए जरूरी है, वो चीजें होती थी। अगर आपको वो आधुनिक सब के साथ चाहिए तो आज डॉक्टर लीन ने हमारे लिए क्या तैयार करके रखा है? तालियां होनी चाहिए। हम पहले मौसमी फल फूल खाते थे, आज वैसे नहीं हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है? कोल्ड स्टोरेज हो रहा है।
और हमारे लिए बुरी खातर है।